दोस्तों, जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं और रिपोर्ट में सब आपको 0-0 दिखाता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जाएंगे यूटिलिटीज़ में, डिवाइसेस में। यहाँ पर हम डिवाइस सिलेक्ट कर लेंगे और डाउनलोड लॉक पर क्लिक कर लेंगे। और सब डाउनलोड लॉक होने के बाद आप वापस से रिपोर्ट जनरेट करके देखिए, अगर सेम प्रॉब्लम आता है रिपोर्ट जनरेट करने में, सब 0-0 आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है यूटिलिटीज़ में। यहाँ पर हम जाएंगे डिवाइस लॉक्स में। यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे जिस डेट से हमें अटेंडेंस चेक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉक दिखा रहा है, तो हम किसी एक एम्प्लॉय को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 नंबर है, तो हम सिर्फ 6 नंबर का रिपोर्ट चेक करेंगे मंथली रिपोर्ट में, डिटेल रिपोर्ट में। यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे, जब से लेकर जब का हमको देखना है। यहाँ पर फिल्टर एम्प्लॉय, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड 6, और यहाँ पर एग्जैक्ट में क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर रिकैलकुलेट अटेंडेंस और जनरेट कर लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, सिंगल एम्प्लॉय का रिपोर्ट जो निकाला हमने, तो प्रॉपर आ रहा है। अब हम सारे एम्प्लॉयज़ का रिपोर्ट निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम फिल्टर एम्प्लॉय को अनचेक करके रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हमारी रिपोर्ट जो है प्रॉपर है, सारे एम्प्लॉयज़ की जो है अटेंडेंस प्रॉपर आ रही है।